कठुआ हटली मोड़ के करीब चिनाब टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों ने उग्र रूप धारण करते हुए फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। मेहनताना नहीं मिलने पर मजदूरों ने मचाया तांडव। सीटीएम में जमकर की तोड़फोड़, पत्थरबाजी और लाठी चार्ज के दौरान मजदूर और पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की कार्रवाई से नाराज मजदूरों ने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया। एसएसपी कठुआ ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को भोजपुरी भाषा में संबोधित कर शांत करवाया। गाड़ी 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 किसी ने आया किसी ने। हर इंडस्ट्री में काम करते हर जगह सर मिल रहा है तंगा। ये सिटी वालों की क्या बात है, बैठ कर हर एक चीज सर पब्लिक को अपना गुस्सा निकालेंगे आप तमाम। हम बात करते हैं ना, एक मिनट आराम से गेड़ी साहब मैं बात कर रहा हूँ। हमारी बातचीत चल रही है अंदर, एसएसपी साहब वो सामने खड़े हैं, सारा मैनेजमेंट है, मीडिया है, आप अंदर आइए बैठ के बात करेंगे। ऐसे रोड पे बात नहीं होगी, थोड़ी आपका मसला सॉल्व करवाएंगे ना, मसला सॉल्व करवाएंगे। नाम है आपका? सुनीता। ये बताइए कि आज ये जो स्ट्राइक की है क्यों की है आपने? तरखे के पीछे, पिछले महीना में जब लॉकडाउन लगा था बंद कर दिए, देसी आदमी है, हमको मकान मालिक नहीं छोड़ रहा है, हमसे राशन वाला नहीं छोड़ रहा, तीन दिन से हमारा राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, तीन बच्चे हैं उनको क्या खिलाएंगे। और अभी पुलिस वाले को बोले तो गंदा गंदा गाली दे रहा, क्यों दे रहा गाली, ये अपने घर से पैसे देंगे। आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं हमारी पीए दिए जाए, स्टाफ वालों को फुल हाजिरी दे रहा, फुल हाजिरी स्टाफ वालों को दिए हम लोग। स्टाफ वाले को पूरा तनख्वाह दे रहा है, डबल तनख्वाह दे रहा है, हम वर्कर को लॉकडाउन में जबरदस्ती बुला रहा है, मार मार कर करके बुला रहा है, पुलिस वाले जा रहे हैं चोरा चोरा करके बुला करके ले जा रहा है, इस गली से उस गली से ले जाएगा, बोला है कि सब पूरे पैसे देंगे। आज जब पैसे का बारी आया तो चार चार बच्चे पड़े हैं बाहर, वाले खाना देने आ जाए, कहते वाले को फुल पैसा मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है कोई खड़ा नहीं देंगे, उधर डंडा मार के भगा रहा है, इधर ये पैसा ऐसे नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे। सर सतपाल गुप्ता सरपंच, सर मैंने बंसल साहब से बात की है जो जहाँ के पुराने इंचार्ज हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इस वक्त जो स्थिति है बहुत ख़राब है और लॉकडाउन की वजह से कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता है, इस वजह से वर्कर जो है परेशान है, और सीडीएम के अंदर एक महीने से डेढ़ महीने से वर्कर जो है बैठा हुआ है, तो सीडीएम ने हमारे से बात की है कि हमने मार्च महीने की तनख्वाह पूरी डाली हुई और अप्रैल के महीने के जो पेमेंट जो बनती है हमने 50% डाली, तो हमने पब्लिक की तरफ से उनको सोल्यूशन अपनी राय दे रखी है कि इस महीने की जो तनख्वाह है वो आप इनको पूरी दे दें, ताकि गरीब लोग हैं और वो परदेसी हैं, वो बाहर भी नहीं जा सकते और कहीं किराए पर भी नहीं रह सकते, इसलिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि तोड़फोड़ करना या इस वक्त माहौल ख़राब करना
ये हमारे पूरे इलाके के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों को एक महीने की तनख्वाह दे दें। आगे अगर अप्रैल महीने में, अगर मई महीने में फैक्ट्री चलती है, जितना वर्कर काम करता है उसके हिसाब से उनको पे दी जाए। अगर कोई घर जाना चाहता है तो उसके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए और उनको घर भेजा जाए। आप अपने स्टाफ का सैलरी पा रहे हैं, उसको भी अपनी मजदूर का सैलरी मिलेगा, वहाँ से आपको एक सोल्यूशन आपका ये है। हमें फायरिंग की तरह कर सकती है, रिटायरमेंट होगा समथिंग यू टू बी अच्छा। अगर आप आज बोल रहे हैं नहीं जी पूरा पेमेंट दे, मुझे नहीं पता अभी नहीं, स्टाफ की हमने मिनिमम डेढ़ महीने से लेकर चार महीने तक अच्छा कर दिया, पूरे साल में उसको पूरी कट मिनिमम डेढ़ महीने की और मैक्सिमम चार महीने। हम यूपी के फैजाबाद के बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे भैया सांसद है फैजाबाद जिला के, हम भी बात करेंगे। ये क्या कर रहे हैं साहब, अंकल को पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से लाठी डाल के मारते हैं, क्या कर रहे हैं? पैसा तो पहले से भूखा सब मार रहा है, पैसा रुक रहा है। सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई दुश्मनी, हम जिस कंपनी में काम करने आए हैं उस कंपनी से हमें पूरी तनख्वाह चाहिए, और नहीं दी है तो हाथ उठा के हमें घर भेजा जाए। हमारे यहाँ 2000 रुपए लेकर अपने बीवी बच्चे नहीं खिला सकते, हमारे माँ बाप भी भाई बहन घर पे बैठे भूखे, फिर तो नहीं आते खिलाने, हफ्ते करने के लिए ये लोग जिंदगी के साथ पहले आती है साले डांटा था, अंदर स्टाफ को सबका फुल तनख्वाह दी गई, वर्करों को तूली दी जा रही है, वर्करों का कीड़ा मकोड़ा है, यहाँ पर कोई सरकार सुनती नहीं है। 6000 रुपए 8000 करने की नौकरी होती है, हम लोग फिर भी करते हैं बैठे एक बात के लिए, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप भूखे ना रहे, और ये लोग समझते नहीं है। पुलिस वाले हमें रोड पे नहीं निकलने देते, चल मार के सर फोड़ दिया, कैद पिए या तो हमें गोली मार दो या तो ऐसे मरने मत दो, हमें घुट घुट के मरने नहीं हमें। बैठिए आराम से। आपके पेमेंट नहीं है मिलल, सही बात। मुद्दा नंबर 2, आपके घरे जाए के बाद, ये दोनों मुद्दा पर हम मेन गेट पर बात करके आवता नहीं, बहुत मनाई मेन गेट वाला यहाँ पहुंच गए बा, आप उन्हों से बात कर सके नहीं, हम दोबारा दोहरावत आने की काम मुद्दा बा। बात सुनी पहली बात की हेजा जवान लॉ एंड ऑर्डर हुई, चाहे आप पत्थर चलाए चाहे हम लाठी चलाए, इनमें 2 आदमी का नुकसान था, इनमें नुकसान था मजदूर का और दूसरा नुकसान था पुलिस वाला का। सुनिए, अगर चोर कर रहा था बात ना कर पाए, आप बात कर रहे तब चोर नहीं कर पाए। ओके, तो सबसे पहले ही काम करे के बात ना कहे कि जवान आपका पेमेंट वाला मुद्दा हुआ, नौकरी खाते मैनेजमेंट से हम बात करनी है आपसे तुरंत से, उमेश गुप्ता जी से हमारे सीधे बात पहला, उमेश गुप्ता जी जो हम बात कहता नहीं वो बात का पूरा हम प्रमाण मंगनी है।
कि स्टाफ के कितना सैलरी देने वाली नंबर एक 3000 एक मिनट स्टाफ ना ही होगा वर्कर होगा स्टाफ ना मैं समझा स्टाफ के पूरा मिलन आप भाई हो रेखिया के पास आप बैठा बात सुनी पूरा अमर हमके आपको परेशानी पता हुआ आओ परेशानी का सोल्यूशन खातिर होकर इलाज खातिर हम आयल बानी हम डंडा लेके निकी आए डंडी हम अकेले आयल बानी ये लोग के सब पीछे आप सब पीछे हो जाइए कोई यहाँ नहीं खड़ा होगा सब पुलिस वाले पीछे जाइए आपकी पेमेंट खातिर अजुए डिसीजन हो जाए तुरंत टीके कितना मिलल बा टीके कितना मिले के बाकी बा होकर डिसीजन अजुए हो जाए दूसर बात आपके जहाँ घर गए का सवाल बा आप बताएं कि हम काउंटर कहाँ लगाएं कहाँ आप अपना नाव लिखवा सकें देखिए चिनाब टेक्सटाइल मिल एक बहुत बड़ी मिल है यहाँ पे तकरीबन 6-7 हज़ार प्रवासी मजदूर काम करते हैं और क्योंकि जो पूरे देश में हालात बने हुए हैं बहुत हद तक हर जगह मजदूरों की कुछ ना कुछ लेकर मैनेजमेंट के साथ समस्याएं बनी हुई हैं यहाँ जो मुख्य समस्या थी इनकी पेमेंट को लेकर थी जो इनको पेमेंट डाला गया है CTM की तरफ से इनको लगता है वो ना काफ़ी है और इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्टाफ को फुल पेमेंट दिया गया है और हमें जी मजदूरों का जो पेमेंट है वो आधा कर दिया गया है प्लस इसके अलावा इनकी एक समस्या है कि अब ये यहाँ रहना नहीं चाहते ये दोबारा अपने अपने ज़िलों में जाना चाहते हैं लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि कठुआ का एक रिवाज रहा है JNK का एक रिवाज रहा है मेहमान नवाजी का हम चाहते हैं कि हमारे मजदूर भाई यहाँ से पलायन ना करें ताकि हालात जैसे ही पटरी पर आएँ सारे मज़दूरों को दोबारा यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन मिलों को चलाने के लिए तो अभी तो खैर जब भीड़ एक उग्र रूप धारण रहती है तो आपको यू टू प्ले टू दी गैलरी बातचीत हमने इनसे की है इनके सारी परेशानियों का अजाला जो है हम CTM के मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे हम ज़रूर इनकी बात उन तक रखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी नियमों में बैठता है कानून में बैठता है या उससे बाहर जाके भी अगर दो चीज़ें करनी पड़े तो मुझे लगता है कि हम करेंगे जख्मी हुए हैं सर कुछ हाँ जी देखिए लॉ एंड ऑर्डर का एक उसूल होता है ज़ख्म तो खैर पुलिस वालों को भी लगना है कुछ मजदूर भी इसके अंदर हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और दुखदाई घटना है ऐसी उम्मीद हमें थी नहीं ये सारा अचानक हुआ जब अंदर बिल्डअप हो रहा था उस समय पुलिस को जानकारी थोड़ी सी लेट अंदर से मिली अंदरूनी मामला होता है स्टाफ मैनेजमेंट बात कर रहा था बट इस पूरी महामारी में आप देखें लोगों को काम नहीं है घरों में बैठे हैं साइकोलॉजिकल तौर पर भी बहुत लोग स्ट्रेस में हैं तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं फूटना था तो आज का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हो गया है सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा नहीं बंद कोई नहीं है सच डिटेन तो किए जाते हैं क्योंकि वायलेंस हुआ है क्राइम हुआ है देर इज़ अ लीगल प्रोसीजर दैट हैज़ टू फॉलो उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है विल सी सर आप जो पेमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको एडवांस दे दिया जाएगा लेकिन जो आपकी फुल पेमेंट है उसके लिए लॉ हमको देखना पड़ेगा वो आप किसको रेफर कर रहे हैं देखिए कुछ याचिकाएं हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं इस मजदूरों की समस्याओं को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट से बियॉन्ड तो यहाँ कोई नहीं है ना मजदूर है ना पुलिस है ना CTM है जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी वो सबने फॉलो करनी है हाँ ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दो बोले CTM 4 दे सकती है बट दो का डेढ़ नहीं कर सकती अभी सर एक मजदूर को चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा उसके बाजू में और कुछ मजदूर जो हैं वो अभी अरेस्टेड हैं जैसा ये लोग बोल रहे हैं ये लोग अंदर नहीं जा रहे हैं तो वो उसका क्या आगे नहीं देखिए ये लोग अंदर चले गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये थोड़े बहुत लोग हैं अभी रोष को ठंडा होने में वक्त लगता है लीगल कार्रवाई जो भी है उसका एक अपना तरीका होता है हम बैठेंगे देखेंगे एक्चुअली मसला हुआ क्या है पहले जो चोटिल है उनका इलाज कराया जाएगा हम ख्याल रखेंगे लोकल्स की सेफ्टी के लिए सर क्योंकि सुबह यहाँ जिस तरह से दंगे बढ़ के लोकल्स वर वेरी स्केयर्ड तो लोकल्स की सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स है नहीं लोकल कोई भी जख्मी नहीं है ना ही लोकल को किसी को हमने नुकसान पहुँचने दिया है पुलिस रिएक्शन वॉज प्रॉम्प्ट इट वॉज एफिशिएंट और हमने इसको यहीं लोकली कंटेन कर लिया है इनको ज़्यादा दूर तक हमने जाने नहीं दिया है तो लोकल्स को निश्चिंत रहें कठुआ पुलिस प्रतिबद्ध है उनकी सबकी सुरक्षा के लिए सर केंद्र का आदेश सभी लोग मान रहे हैं जो फैक्ट्री क्यों मनमानी पे उतरी है इतना बड़ा तांडव हो गया और काम यह जब उसके ये सवाल आप फैक्ट्री ओनर से पूछें सर कठुआ से अमित पान अलर्ट इंडिया न्यूज़